दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो वेलकम बैक करता हूँ आप सभी लोगों का मिनाको गेमिंग के एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो यार आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पिछला बार हम लोगों ने खेला था हाइड एंड सीक, पर उसमें हमारा जो डेविल है वो नहीं था, बिकॉज डेविल हमारे साथ नहीं खेल रहा है कोई रीज़न की वजह से। बट ये लो भाई, शिंचो ने भी गेम ज्वाइन कर लिया है। तो हेलो शिंचो। हेलो 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 भाई। चलो अभी ना हम लोगों को भाई आज के पार्ट में हम लोगों को बनाना है घर। और आप लोगों ने शायद एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने कर ली अपनी स्किन को चेंज, ठीक है। और भाई ये बैट यहाँ पे क्या क्यों घूम रहा है भाई मेरे पीछे पीछे। भाई शिंचो तेरे को पता है क्या, मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा तेरे पीछे। अभी भाई गौर से देख भाई, हवा में उड़ रहा है भाई, और क्या भाई। तो तुम लोग देखो भाई, गौर से दिख जाएगा। बाकी ये तो सारे दिन ट्राइडेंट यूज़ करता रहता भाई शिंचो, एक भाई को ट्राइडेंट क्या मिल गया। तो लेट्स गो। मैंने यहाँ पे घर आज हम लोग बनाने वाले घर, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो मैंने ये जगह चूज़ करी अपने घर बनाने के लिए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे एमओजी कर रहा है नूबड़ा कहीं का। मैंने यहाँ पे बनाना है घर, और शिंचो ने पता नहीं अपनी कौन सी जगह बना रखी है। तो चलो भाई मैं बनाने वाला हूँ अपना पूरा घर कॉन्क्रीट से। तो चलो मिलते हैं वीडियो में। कॉन्क्रीट से पहले मैं, तो यार अभी ना मेरे को बनानी है यहाँ पे वाइट डाय। तो वैसे मेरे पास 15 डाय तो पहले से पड़ी है और 17 बोन पड़ी है। तो यहाँ पे इसे अपन लोग निकाल के देख लेते हैं। सारा का सारा मतलब वाइट कॉन्क्रीट पाउडर अपना वन स्टैक साथ बना था, उसे मैंने लगा के पानी में वापस तोड़ लिया। अभी हो गया पूरा पक्का वाला कॉन्क्रीट। और शिंचो अपना दूसरे साइड में घर बना रहा है और मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो मैंने पता नहीं क्यों, मतलब जैसा मैंने अपनी पिछली वाली सर्वाइवल सीरीज में सोचा था, बस वैसा सेम अपना घर बनाने वाला हूँ। दिखाता हूँ, थोड़ा यहाँ से दिखेगा नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। जैसे ये थोड़ा मतलब छोटा सा लगेगा, लेकिन आपको बाद में देखना एकदम मस्त कूल वाला लगने वाला है यहाँ से, मतलब एकदम क्रेजी सा बन जाएगा देखो अभी। और मेरे ख्याल से मेरे को लगा था एक स्टैक काफ़ी ज़्यादा ठीक होंगे, लेकिन अभी मेरे पास 4 और 7 ही बचे हैं। तो मुझे और वाइट नहीं वाइट है तो कोई जरूरत नहीं है, मेरे को ग्रेवल की जरूरत है। ग्रेवल लेके आएंगे भाई, बहुत ज़्यादा ग्रेवल चाहिए, सैंड चाहिए। तो मिलते हैं भाई इस, पहले अभी इसकी दीवारें कवर करते हैं, फिर मिलते हैं फिर डायरेक्ट। तो गाइस यार अभी ना मैं भाई यहाँ पे मतलब जितना भी वाइट कॉन्क्रीट पाउडर है इसको भाई अपने पानी में वापस लगाना चालू कर दिया, बिकॉज यहाँ पे भाई ये जो मतलब जितना भी वो अपना सामान वामान है, मतलब अरे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अरे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा क्या, इसको तोड़ो सबसे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे पानी कैसे आएगा भाई, मैंने आगे से ब्लॉक कर दिया। हाँ तो मैं कहा था भाई यहाँ पे अपनी सारी कॉन्क्रीट वापस लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है कॉन्क्रीट कम पड़ रही थी, और मेरे को पक्का पता है जो ये भी कॉन्क्रीट है ये वॉल करने में ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे गारंटेड पता है कि मुझे और स्केलेटन मारने पड़ेंगे, या फिर स्केलेटन क्यों मारने पड़ेंगे, डाय तो काफ़ी पड़ी है, बट हमारे पास वो नहीं पड़ा है अभी तक। और सैंड और ग्रेवल ख़त्म हो गए हैं, बाकी सैंड पड़ी है। सैंड तो यहाँ पे मिल भी जाएंगे, अपन सैंड में ही रहते हैं, मतलब देखो सैंड ही ऊपर ही लगा रहा हूँ मैं सारे, तो सैंड तो इजीली मिल जाएगी। बाकी अगर अभी तक वीडियो पे ठीक है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं आपसे डायरेक्ट कॉन्क्रीट बनाने के बाद ब्रो। मेरे को भाई 2 स्टैक से भी ज़्यादा लगे हैं, बट यहाँ पे ना अभी तक कोई भी मतलब मेरे को मतलब पूरी दीवार कवर नहीं हुई है। एक साइड तो पूरी रही है और यहाँ पे भी पूरा मतलब रहा हुआ है अभी तो, बहुत सारी चीज़ मतलब बहुत काम रहा हुआ है भाई अभी। और तो वो मतलब ग्रेवल भी नहीं है भाई, अब ग्रेवल ग्रूवल भाई कहाँ से लाएं भाई इतना सारा सामान भाई। अब मेरे को तो लग रहा है भाई बहुत मुश्किल है ये घर बनाना महंगा पड़ रहा है मेरे को। बट कोई नहीं यार, अपन बढ़िया से बढ़िया घर बनाने की ट्राई कर रहे हैं, बट ठीक है अब जैसा है वैसा करते हैं, देखते हैं। तो कहीं तरह अभी मैंने मेरा घर कुछ इतना बन चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ऐसा कुछ ढांचा सा बन के खड़ा हो गया। मतलब अभी इसके अंदर फर्नीचर वगैरह नहीं है ना, तो मतलब इसको ढांचा ही बोलेंगे और तो क्या बोलेंगे भाई। अब इसका अपनों को डोर भी मतलब एक जगह पे डोर लगाना पड़ेगा, कि कहाँ पे अपन लोग इसका डोर लगाएंगे उस हिसाब से इसको डोर सेट करना पड़ेगा अंदर आने की मतलब जगह। और एक बार आप देखो यार कैसा लग रहा है आपको ये घर, एक बार आप लोग देख के बताओ भाई मेरे को। देखो यहाँ पे से देखो किस तरीके से मतलब मस्त लग रहा है। सामने वाली साइड में विंडो लग जाएगी, जहाँ पे भी यहाँ पे दिख रही है आपको, जो मतलब ये जो मैंने खाली जगह छोड़ी यहाँ पे विंडो लग जाएगी। और अभी मेरे को इसका डोर भी डिसाइड करना है, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे ग्लासेस चाहिएंगे। तो ग्लासेस के लिए अपने को चाहिए होती है सैंड, और सैंड अपने पास यहीं पर ही पड़ी है। सैंड निकाल लेते हैं अपन सारी की सारी, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस यार अभी ना हम लोगों ने पूरा का पूरा मतलब घर अपना बना लिया। सबको पहले तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसा मतलब वो ग्लास वगैरह रहे थे वो कैसा लगाया मैंने। देखो जैसे इस साइड में ग्लास लगा लिए हैं, और इधर भी ग्लास लग गए हैं, और देखो उधर सामने 3 जो खिड़कियाँ थी वहाँ पे भी ग्लास लग गए। अब मैंने देखो मेन सोचा कि यहाँ पे अपना मेन गेट होने वाला है जहाँ से अपन अंदर आने वाले हैं, और ये होगा अपना सेकेंड रूम की एंट्री, ठीक है। सेकेंड रूम की एंट्री यहाँ से निकल जाएगी। तो बस ये पूरा है, अपन को अभी डोर बनाने हैं। बाकी तो अभी ना अपन अभी अपन लैंटर्न के ऊपर काम करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे रेसिपी नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे सर्च करने वाला हूँ लैंटर्न। और यहाँ से मुझे इतने लैंटर्न मिल रहे हैं, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने अभी तो इंगट ही 3 बनाए थे, तो बाकी मैं अभी इसका और मतलब आयरन कहाँ कहाँ मेरे ये, ठीक है। तो मतलब 2 मतलब ठीक है, इतने इंगट काफ़ी है।
अब अपन दो लैंड नॉर बना लेते हैं और लेट्स गो। ठीक है, अपने अभी अपने पास अभी हो गए 5 लैंड। ठीक है, अभी अपन लोग जाके इसको प्रॉपर मतलब लगा देते हैं, मतलब एक इस कोने में प्लेस करते हैं जिसे थोड़ी अपनी जैसे जान हुई है, मतलब रोशनी आ गई है। और एक अपन लगाने वाले हैं यहाँ पे इस कॉर्नर में। और अभी अपन एक काम करते हैं कि दूसरे वाली साइड में डालते हैं और यहाँ पे एकदम सेंटर में एक लैंटर्न लगाते हैं। ठीक है, ये इतना इनफ होगा यहाँ पे। और एक यहाँ पे अपन लोग लगा देते हैं यूं करके, कहाँ गया इस साइड। ठीक है, ये लगाया लैंटर्न। और ये देखो, हम लोगों ने इधर 3 लैंटर्न लगा दिए, इधर एक लैंटर्न लगा दिया, मतलब इधर एक कम पड़ जाना आ जाए, इसलिए इस कॉर्नर में भी एक लगा देते हैं। 5 के 5 लैंटर्न हमारे यूज़ हो गए हैं। तो अभी ना हम लोग एक काम करने वाले हैं, अभी हम लोग बनाने वाले हैं डोर और फिर इसके अंदर फर्नीचर सेट करते हैं। लेट्स गो। जो भी अपने ने गेट वेट लगा लिया है तो अभी अपन इसको खोलते हैं सबसे पहले। तो लेट्स गो। सबसे पहले तो यहाँ पे एक लोग बटन प्रेस करना है, 3 बटन लगाया मैंने। फिर यहाँ पे हमारे पास है प्रेशर प्लेट जिसके ऊपर हम खड़े होंगे, तो हमारा गेट खुल जाएगा। ये हमारी सेकेंड रूम की एंट्री है और यहाँ से हम लोग वापस जा सकते हैं। यहाँ पर ये प्रेशर प्लेट है अंदर वाली साइड में, क्योंकि बाहर लगाएंगे तो मॉब लाल आ जाएगा, इस वजह से हमको यहाँ पे अंदर वाले साइड में लगाना है बड़ा। और वैसे बटन वाला सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ पे अंदर फर्नीचर शिफ्ट करना है, तो लेट्स गो यार। अभी ना हम लोग यहाँ पे ये वाला मतलब बेड तोड़ लेते हैं, यही अपन अंदर लगाने वाले हैं। और अपन चलते हैं विलेजर फार्म की तरफ को। और आप लोग सोच रहे हो शिंचो की आवाज़ आज नहीं सुनाई दी, तो ये लो शिंचो की आवाज़ सुन लो एक बार, ताकि आपको तसल्ली हो जाएगी शिंचो हमारे साथ खेल रहा है। हेलो भाई, हेलो हेलो भाई। देखो शिंचो हमारे साथ खेल तो रहा है, बट कुछ है ऐसा, मतलब वो अपना घर बनाने में बिजी है। मैं आपको उसका घर दिखा के लाता हूँ। सबसे पहले तो चलो आपको मतलब पहले तो बटन दबा यार, अरे लेफ्ट कर दिया भाई शिंचो ने। चलो कोई नहीं, आ जाएगा। हम यहाँ से बेड तोड़ लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि हमको चाहिए डबल बेड। और हमारे पास इतने विलेजर नहीं है कि पूरा मतलब पूरा बेड ही मतलब वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। और मुझे अपने मतलब अबे भाई प्लेस बटन की जगह बदलनी पड़ेगी मेरे को भाई, ढंग से प्लेस ही नहीं हो रहा भाई। मैं उसको क्लिक कर रहा हूँ, वो मतलब जो पोजीशन मेरे हिसाब से होनी चाहिए वो वहाँ नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे अंदर जाता हूँ और डबल बेड लगाता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे ये भी तोड़ लेना चाहिए, मतलब क्राफ्टिंग टेबल। और मैं सोच रहा हूँ कि सेकेंड रूम में अपन इंचाइटमेंट टेबल लगाएँ और उसके आगे पर बुक शेल्फ लगा दें, क्योंकि वो रूम इतना बड़ा नहीं है ना। तो अपन लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना है। ठीक है, तो वो भी सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बेड लगा देते हैं, एक वाइट में एक ब्लैक में। ठीक है, यहाँ पे दो बेड लगने के बाद अपन एक अब अपन एक काम करने वाले हैं, इस साइड में क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करने हैं और फर्नेस को बाहर निकाल के हम लोग यहाँ पे इस तरीके से फर्नेस प्लेस करें, जैसे कि यहाँ पे हम फर्नेस प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अरे भाई मैं बंद हो गया अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्नेस प्लेस कर दिया। अब ये एक विंडो के ऊपर वाली जगह खाली छोड़ के यहाँ पे अपन एक और चीज़ लगा देंगे, यहाँ पे अपन एक और चीज़ लगा देंगे। बाकी अपनों को डेकोरेटिव वाला चाहिएगा, तो पॉट वॉट अपन पुराने वाले घर से एक बार दिखाते हैं, पेंटिंग वेंटिंग निकाल के लाते हैं। लेट्स गो। यहाँ पे देखो अपनी शुगर केन फार्मिंग चालू कर दी है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी, तो यहाँ पे शुगर केन भी उग रहे हैं। साथ ही साथ अभी ना हम लोग एक काम करने वाले हैं, यहाँ से जितना भी सामान है निकाल के ले चलते हैं उस वाले घर पे। अब मेरे को पता नहीं है क्या मतलब क्या काम आता है कंपोस्टर, बट मैं ले आया हूँ, बस मेरे को थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था ये, तो मैं कंपोस्टर वहाँ से ले आया हूँ। वैसे यार डेकोरेशन में यार कंपोस्टर अच्छा काम आएगा यार वैसे, बट अगर मैं दो जगह लगाऊँ तो। ठीक है, जैसे अब एक इस साइड लगा दूंगा कंपोस्टर, एक और कंपोस्टर लगा लेके आता हूँ वो भी लगा दूंगा दूसरी साइड, तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे ना देखो हमारा पूरा का पूरा जितना भी यहाँ पे मतलब अंदर फर्नीचर था वो सब लग गया है। और शिंचो अपना गया हुआ है कॉन्क्रीट मतलब ग्रेवल निकालने, कहाँ पे गया है भाई तू? यार मैं कहीं पे नहीं गया, तूने बोला ना केव में नहीं है, तो मैं केव में गया ही नहीं। चल ओए तू मेरे पीछे पीछे आ, वहाँ पे शायद थोड़े और हो सकते हैं। चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ, क्या हाल चाल है? अभी तक बना नहीं है। ग्रेवल माइन करने गया था ना, कितने ग्रेवल हो गए? 3 स्टैक हो गए होंगे। कितने स्टैक? 3 स्टैक। बढ़िया भाई, जितना तूने खड्डा खोदा है ना भाई, मेरे को तो लग रहा है भाई 5 स्टैक चाहिएंगे कम से कम। मेरे को लग रहा है भाई चाहिएंगे भाई 5 स्टैक तो पक्का चाहिएंगे भाई। भाई देर अभी मेरा जो है ना जितना भी पूरा का पूरा जितना भी पूरा घर है ये बन चुका है। अभी मेरे को इसके अंदर लेके आनी इंजॉइंटमेंट टेबल। तो रात ना हो रही हो? बस रात हो रही है भैया, तो शिंचो भाई सो जाओ जल्दी जाके। रात
रात हो गई है, मेरे को तो नहीं दिख रही भाई। हो गई, हो चुकी है रात, तेरे को दिख नहीं रही भाई, बस जल्दी जाके सो जाओ भाई। अब आपसे मैं डायरेक्ट मिलता हूँ सुबह। अभी हो गई है सुबह और अभी हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। शिंचो तो अपना घर बना रहा है, पर अपन यहाँ से निकलते हैं। तो यार अपना अभी जाने वाले हैं उसी केव में जहाँ पे हम लोगों को माइनशाफ्ट दिख गई थी और जहाँ पे हम लोगों ने आयरन माइनिंग की थी, बस उसी केव में हमको लावा भी दिख गया था। बस हमारी इन्वेंट्री में वाटर बकेट हो ठीक है यहाँ पे है, और शुगर किन एक बार रख देते हैं हम लोग। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग शुगर किन का फार्म में बनाएंगे। तो अपन लोग चलते हैं सबसे पहले तो केव के अंदर, वहाँ पे लावा था, मैंने देखा था, आगे आगे था। अगर आप लोगों ने भी देखी होगी वो वाली वीडियो माइनिंग वाली, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट केव में चलते हैं लावा के पास, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओह नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लोग यहाँ से डालेंगे TAB टेबल, ठीक है, ये आ गई, ये तो ये रही अपनी इंचाइटमेंट टेबल, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, और ये हमारे पास आ गई अपनी इंचाइटमेंट टेबल। तो चलो भाई इसको लगा देते हैं हम लोग अपने इंचाइटमेंट वाले रूम में। तो अपन लोग इसको इस तरीके से लगाएंगे, मतलब कैसे लगाएं, ठीक है, देखो मतलब इसके ऊपर लगा देते हैं जैसे ये। वाह भाई साहब, क्यों लग रही है यार, अपनों को इसके लिए बस लैपिस ज़ूली चाहिए। जैसे इसमें शार्पनेस 1 लग रही है, स्माइट 1 लग रही है, शार्पनेस 1 लग रही है, जैसे देखो मतलब लग नहीं रही, लैपिस ज़ूली चाहिए यार, कैसी बात कर रहे हैं। बुकशेल्फ वगैरह लगाए नहीं? नहीं, फिर भी दे रहा है तो फिर तो देगा ही, लेकिन बुकशेल्फ लगाने से मतलब बुकशेल्फ लगाने के बाद ना वो ज़्यादा मतलब लेवल बढ़ जाता है इंचाइनमेंट का। वैसे तो देता ही है भाई। क्या यार शिंचो, तुमको इतना ही नहीं पता यार, तुमको नॉलेज ही नहीं है माइनक्राफ्ट की, क्या माइनक्राफ्ट खेलोगे। और बारिश आ गई यार, बेइज्जती कर रहे हो क्या मेरी। चलो कोई नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलो कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, वीडियो शेयर भी कर देना ताकि आपके दोस्त लोग भी मेरी वीडियो को देख के इन्जॉय कर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।